हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूर्णिमा, यू आर वाचिंग माय म्यूजिंग। सो आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ एक नई जगह पे जो एक्चुअली हमने भी नहीं देखी है। वी आर आल्सो गोइंग देयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सो अभी एक्चुअली थोड़ी सी बैक स्टोरी दे देती हूँ। इफ़ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम तो आपको पता होगा दैट टुडे द इंटायर डे आई वॉज एडिटिंग माई यूट्यूब वीडियो। पूरा दिन लगा दिया मैंने एडिट करने में, बट I don't know how I just deleted the entire edited video. मतलब मैंने raw footage delete करी because I was about to save my edited file. पर जब मैंने वो raw file delete कर दी तो वो edited वाली जो file थी वो भी मतलब उसमें से भी वो पूरे shots हट गए। So like my editing and the whole day's effort actually went just waste. I missed my Thursday upload, which I'm feeling really bad about because I'm like, you know, sticking to my schedule of uploading videos on Thursdays and shorts on Sundays. So मुझे बहुत दुख हुआ, but थोड़ा सा हमने सोचा चलो मूड ठीक करने के लिए कहीं चलते हैं, बट हम लोग मॉल नहीं जाना चाहते थे। तो मेरी फ्रेंड ने एक्चुअली ये जगह रेकमेंड करी थी। It's in Noida Sector 135. सो हमें भी नहीं पता कैसी जगह है। सो आई थॉट ऑफ टेकिंग ऑल ऑफ यू अलॉन्ग, सो वील गो एंड सी एंड डिस्कवर दिस प्लेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम टुगेदर एंड वील सी हाउ इज इट। शी गेव मी दिस फीडबैक दैट इट इज़ लाइक साइबर हब, जैसे गुड़गांव में साइबर हब है। उसने बोला कि यहाँ पे बिल्कुल साइबर हब वाली वाइब है। सो हमने सोचा ओके फाइन, लेट्स गो। मॉल जा जाके वैसे भी हम बोर हो चुके हैं, तो जाके देखते हैं कैसी जगह है, कैफ़ेज़ वगैरह है, कैसे कैफ़ेज़ हैं, क्या है। विल गो एंड सी एंड अगर अच्छी हुई तो ग्रेट। दिल्ली एनसीआर वाले लोगों के लिए एक हैंग आउट ऑप्शन नया हम लोग ढूंढ लेंगे, अगर नहीं तो ठीक है कोई बात नहीं। सो लेट्स गो एंड लेट्स सी हाउ द प्लेस इज़। तो गाइज़ वी स्टार्टेड एट अराउंड 7:30 फ्रॉम होम एंड ट्रैफिक तो इस टाइम होता ही है एज़ यूजल। अच्छा, थोड़ी देर चलने के बाद ना सड़क बहुत ही अच्छी हो गई थी। आप देख सकते हो कितनी स्मूथ सड़क थी, चारों तरफ पेड़ लगे हुए थे। एक्चुअली नोएडा के सेक्टर 100 क्रॉस करते ही ना बहुत ही अच्छा एक स्ट्रेच आता है जहाँ पे आपको ड्राइव करने में भी मज़ा आता है। तो हमें भी बड़ा मज़ा आ रहा था, सड़क बहुत अच्छी थी, कोई बम्प्स नहीं थे। सो वी एंजॉयड आवर ड्राइव। बट देन उसके बाद भाई ऐसा पैच आया, आप देख सकते हो ना ही कोई स्ट्रीट लाइट थी। तो देखो ना स्ट्रीट लाइट वगैरह भी कम है ही नहीं स्ट्रीट लाइट। हाँ वही ना, देखो ये थोड़ा स्ट्रेच ये वाला बेकार सा है यार। बट देन फाइनली हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे जो था नोएडा सेक्टर 135। ये है वो जगह जो कि एंट्री के टाइम पे तो लग रही थी बिल्कुल गुड़गांव साइबर हब वाली, जहाँ पे ऑफिसेस बने हुए थे और काफ़ी सारे कैफ़ेज थे। बट लेट्स गो इनसाइड एंड सी हाउ इज इट। दिस इज द एंट्री। प्यू को बहुत पसंद आया ये। Did you like it? यहाँ पे ये कारीगरी रेस्टोरेंट है if you want to come. And not bad. है यार, not bad. पूरा साइबर हब वाली फील है यहाँ पे। This is like Noida's cyber hub. Uptown. जैसे हम फोटो क्लिक करने लगे फाउंटेन बंद हो गया। पीहू लुक यार, चल गया। सो बेसिकली यहाँ पे आपके पास शॉपिंग के ऑप्शंस नहीं है, बट खाने पीने के बहुत ऑप्शंस हैं। जैसे यहाँ पे है ये भोजनम, देन न्यूट्री बॉक्स, कैलिफोर्निया बुरितो, देन मैकडोनल्ड्स है सामने, देन फ्लॉन्ट करके है एक, देन अल्मा बेकरी भी है यहाँ पे विच इज़ क्वाइट फेमस, देन यू हैव पंजाब ग्रिल, रूबरू रेस्टोरेंट अगेन वेरी फेमस, स्काई हाउस, टॉय बाय। सो ये सारे आपके पास खाने पीने के ऑप्शंस बहुत हैं। द नेम ऑफ दिस प्लेस इज़ दिस एडवेंट एवेन्यू बिजनेस पार्क। which is in Noida 135 सेक्टर। और आप ये देख लो, मेट्रो का व्यू है यहाँ से। और आज मौसम भी बहुत अच्छा है, आज मौसम भी बहुत बढ़िया है। आज बिल्कुल ओपन में घूमने का मौसम है, बाई चांस, नहीं तो बहुत गर्मी पड़ रही थी। एंड इट्स लाइक द perfect day we have come here, really nice। देखो मेरे पीछे फाउंटेन्स लगाए हुए हैं, बहुत बढ़िया। एंड वी रियली लाइक इट यार, अच्छा हैंग आउट ऑप्शन है यहाँ नोएडा में। सो इट्स अ गुड हैंग आउट ऑप्शन इन नोएडा। पीयू, डिड यू लाइक इट? पीयू फोटो पे फोटो खिंचवाई जा रही है। नहीं एक्चुअली में अच्छी जगह है यार ये, नाइस। क्या किड्स जोन नहीं है वो, जीरो डिग्रीज है, दैट्स जीरो डिग्रीज रेस्टोरेंट है वो। पापा कहाँ गए? पापा और रूही बोरे 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 बोरे। यू ऑल्सो हैव स्टारबक्स हियर। वगैरह है यहाँ पे, थोड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, बाहर है, क्लब है। और हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ जाएं, बट ये है कि अच्छा है, ठीक है, वन टाइम आ सकते हैं यहाँ पे। सेक्टर 135 पे है। नहीं वन टाइम नहीं, मतलब कैफेज और रेस्टोरेंट हैं, अगर आप पास में रहते हो तो आप आ सकते हो। अरे कहना क्या चाहते हो? अभी हम थोड़ी देर में डिसाइड करेंगे कि हम कहाँ जाएं, हम कंफ्यूज हो गए हैं। अभी हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो अभी हम लोग थोड़ा दिमाग लगाने के लिए बैठे हैं। सो फाइनली गाइस हम आए हैं आई सैक्ड न्यूटन में। और पापा हवा ऐसी चल रही है, आपको क्या बताऊँ। देखो आप सारे जो फैन हैं इनसे मिस्ट कैसे निकल रही है। नहीं वैसे भी हवा बहुत अच्छी चल रही है, आज मौसम अच्छा है। मौसम है आज, और अच्छा मौसम है। मई के मंथ में ऐसा मौसम मिलना, इट्स लाइक अ बून फॉर अस दिल्लीइट्स एंड एनसीआरइट्स। हां राइट। एंड ये रेस्टोरेंट है, अच्छा रेस्टोरेंट है, ओपन। मैं तो पूरा भीगी हूं अपना पास। वहां पे जो वाटरफॉल लगा है ना, मैं वाटरफॉल नहीं फाउंटेन, वो आंधी आ रही मेरे ऊपर गिरी, ये बेबी का भाग बोल रहा है। क्या हो गया भाई? ये सर के ऊपर ना ले जाए वो चीज़। कहाँ आ गया बेबू? मजा ले मजा ले, कहाँ आ गए? आज ओपन में ही बैठने का वैसे मौसम था, इसलिए हम ओपन में बैठे। और ये मिस्ट वाले फैंस भी लगाए हुए हैं इन्होंने, तो अगर आप ओपन में बैठना चाहते हो तो दिस इज लाइक वन ऑप्शन। इतनी तेज़ हवा है कि हम ना अंदर जा रहे हैं, एकदम से आंधी चल पड़ी है, आंधी आने लगी है लिटरली एकदम से। अब हम अंदर जा रहे हैं क्योंकि बच्चे हैं साथ में, एंड देन खाने में भी मिट्टी जाएगी। बारिश भी शुरू हो गई अब तो। चलो I hope you still want me, I hope you still need me a million years from now. The seasons are changing, the nights ever fading, it's time we left the ground. Let's leave for an eternity, we'll sail across the lights beyond the sky. I'll be chicken mein to acha lag raha hai, isko banjara multik ka bolte hain log। स्मोकी फ्लेवर है और मिंट का फ्लेवर आ रहा है बहुत ज़्यादा, अच्छा है, नाइस। थोड़ा सा सॉल्टी ज़्यादा है, सॉल्टी ज़्यादा है ना? ठीक है। It's nice but little bit salty. I hope you still want me. I hope you still need me a million years from now. The seasons are changing, the nights ever fading. It's time we left the ground. Let's leave for an eternity. Let's sail across the... I'm an addict for your love. It keeps me high. Keeps me high. Have it first. How is it? Is the taste good? ऑलराइट गाइस, सो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे वी जस्ट हैड आर डिनर एंड ये है बाहर का इनका सीटिंग एरिया एंड यहाँ जहाँ पे हम अंदर बैठे थे. हल्की हल्की बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और सॉफ्टी खाएंगे. हाँ, सो वी लैंड आवर डिनर विद मैकडोनल्ड्स का सॉफ्ट सर्व. लेकिन मौसम क्या मौसम हो गया है, बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है. एंड आप देख सकते हो बारिश हो के थोड़ी सी बंद हुई है. तेज़ बारिश आ रही थी, बड़ा हल्की हल्की बारिश आ रही है. सो गाइज, या दैट वॉज इट. दिस इज़ द प्लेस दैट वी डिस्कवर्ड इन दिल्ली-NCR. अच्छी जगह है, हैपनिंग है, कैफ़ेज़ है, lot of eateries. If you want to have a good time with your family, with your friends, you can come. And अगर आप दिल्ली-NCR में रहते हो तो आप आ ही सकते हो. अगर आप दूर रहते हो तो भी it's like a good option. अगर आप यहाँ इस side कहीं आते हो तो you can come here. And I hope you like my video. I hope this will help you. अगर आप mall जा जाके बोर हो गए हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो. And yeah, I'll see you soon in my next video. Till then, bye. Take care and do subscribe. Bye. रूहू से बाय बाय. रूही ने तो चेंज कर लिया. मजा आ रहा है.